हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश के ऊपर। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश कैसे वर्क करता है, कैसे मैं स्किन को क्लियर आउट करता है, कैसे एक्ने और बैक्टीरिया को किल करता है और कैसे वो स्किन को स्मूथ और ऑयल फ्री बनाता है। तो ये है एल्बिरिलो का फेस वॉश है, मार्केटेड बाय ऑप्टीडर्मा। तो इसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो पहले बताऊंगा एक्टिवेटेड चारकोल होता क्या है। एक्टिवेटेड चारकोल कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल चारकोल होता है जो कि आपने सुना होगा कि कोई भी कोयला होता है वो भी चारकोल होता है। तो इसको हाई स्टीम के थ्रू हाई हीट जनरेट, मतलब उसको जलाते हैं और फिर हाई स्टीम या हाई हीट जनरेट उसको देते हैं और उसमें माइक्रोपोर्स बन जाते हैं। अभी वो जो माइक्रोपोर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एब्जॉर्ब और एक होती है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स लाइक स्पंज, स्पंज चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर भर लेता है। एडजॉर्ब मीन्स वो पार्टिकल है वो अपने सराउंडिंग में चीज़ों को बांध के रखता है। तो चारकोल की प्रॉपर्टी होती है एड्जॉर्बिंग, वो हाईली एड्जॉर्ब होता है। तो आपने सुना होगा कि जब कोई जहर खा लेता है, पॉइजन खा लेता है, तो वो उसको एक्टिवेटेड चारकोल पिलाया जाता है ताकि वो टॉक्सिन उसको एड्जॉर्ब करके रिमूव कर सके। तो ये जो फेस वॉश है इसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल है, तो इसके और जो फ़ायदे स्किन के रिलेटेड फ़ायदे जो मैं बताऊँगा, तो ये आपके एक्ने को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होता है बिकॉज इसमें एड्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक्ने बैक्टीरिया को किल करता है और वहाँ से ऑयल और सीबम जो है उसको एड्जॉर्ब करके रिमूव कर देता है। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की अच्छी होती है, ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, वो स्किन पोर्स से सक आउट कर लेता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके। और ये अगर अंडरआर्म्स में लगाते हैं तो उसको भी डार्क अंडरआर्म्स को लाइट कर देता है एक्टिवेटेड चारकोल, बिकॉज ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में ऑयली, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसको ऑयल बैलेंस कर देगा, बिकॉज अगेन वो स्किन से ऑयल है, सीबम है, जो भी इम्प्योरिटीज है उसको वो बाइंड करके रिमूव कर देता है। वी हैव टू जस्ट मसाज इट एंड यूज इट। और साथ ही साथ में जो इसमें चारकोल होता है वो माइक्रो लेवल पे आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, बिकॉज उसमें जस्ट लाइक एक खुदरा खुदरा आप कहोगे तो जस्ट उसमें पार्टिकल्स होते हैं, आप उसको जब फेस को रब करते हैं तो वो आपके माइक्रो लेवल पे एक्सफोलिएशन कराता है, जो भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है। साथ ही साथ ही ब्लैक हेड को रिमूव करने में ये फेस वॉश बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ब्लैक हेड हो रहे हैं तो जस्ट अप्लाइड एंड रब इट एंड उसको रिमूव कर देगा। साथ में साथ ही स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपकी स्किन में इम्प्यूरिटीज होती है, हम जो भी खाना खाते हैं, पॉल्यूशन होता है, तो वो बॉडी में इम्प्यूरिटीज एक्यूमुलेट करता है। तो ये जो फेस वॉश है ये उस इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है, बिकॉज चारकोल उसको अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रिमूव कर देता है। और इस फेस वॉश के अगर मैं अगर बाकी इंग्रेडिएंट की बात करूँ, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि एक्टिवेट चारकोल भी है, इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट भी है। पपाया एक्सट्रैक्ट अगेन हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, साथ में कोजिक एसिड है। अभी कोजिक एसिड क्या होता है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फंगाई। तो जो फंगस होती है उसका बाय प्रोडक्ट होता है और उसके लाइटिंग एजेंट भी होता है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड वर्क कैसे करता है, वो जो मिलेनिन जो ट्राइसिनेज होता है, टायरोसिन होता है, सॉरी जो टायरोसिन होता है उसका प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो जो मिलेनिन पाथवे होता है सिंथेसिस का, वो नहीं हो पाता है। तो ये स्किन लाइटिंग एजेंट का भी करता है, बट आई डोंट थिंक ये कितना व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा, बिकॉज आपका जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है कोई भी फेस वॉश का या साबुन का, वो हार्डली एक या दो मिनट होता है। तो एक दो मिनट में आई डोंट थिंक कि कोजिक एसिड बहुत ज्यादा जादू करने वाला है तो इसमें, बट ढला हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोजिक एसिड कैसे वर्क करता है। साथ ही एंटी एक्ने है और एंटी एजिंग भी वर्क करेगा, बिकॉज ये आपकी स्किन से ऑयल और सीबम को रिमूव कर देगा। तो ये एंटी एक्ने भी वर्क कर रहा है। ये अभी तो ये जस्ट बताया है मैंने कि ये कैसे एक्टिवेटेड चारकोल अगर किसी फेस वॉश में तो कैसे वर्क करता है, बट इस फेस वॉश के अंदर है कि नहीं है, इस चीज़ को आज अपन एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं फेस वॉश को लूँगा अगर इसके अंदर, और मेरे पास एक लेज़र मशीन है, इट्स अ क्यूसिच डायोड क्यूसिच लेज़र है, तो एनडीए क्यूसिच लेज़र है। तो हम जब एक्टिवेटेड चारकोल को हम स्किन पे लगाते हैं और जो क्यूसिच लेज़र होती है वो उसको ब्लास्ट कर देती है। तो आज हम लोग ट्राई करके देखेंगे कैसे इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लास्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश आते हैं जो क्लेम करते हैं दे कंटेन एक्टिवेटेड चारकोल, बट ज़रूरी नहीं कि उनमें चारकोल हो। तो अगर नहीं होगा तो जितने भी मैंने बेनिफिट बताए वो आपको नहीं मिलेंगे। और फेस वॉश क्या होता है, जनरली एक सुपरफिकेशन के थ्रू आपकी जो भी डर्ट उसको रिमूव तो कर ही देता है, बट अगर उसमें रियली में एक्टिवेटेड चारकोल है तो रियली रिजल्ट बहुत अच्छा देगा आपको। तो इसमें जो है
कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग ऑयल कंट्रोल भी करता है। तो अभी हम बस 2 मिनट में मैं आपको अभी अपने लैब में लेके चलूँगा, लैब में तो हूँ मैं, मैं दूसरे वाले पीछे वाले लैब में लेके चलूँगा, वहाँ पे हम लेज़र मशीन से इसको अपन ट्राई करेंगे। और ये फेस वॉश मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल। मैंने और भी फेस वॉश यूज़ करे बट मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा लगा था यूज़ करने में, बट मैं अभी इसको आज पहली बार ट्राई मारूंगा कि ये चारकोल को लेज़र बीम ब्लास्ट कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर ब्लास्ट कर दिया तो दैट मीन्स इट कंटेन रियली एक्टिवेटेड चारकोल, और ब्लास्ट अगर नहीं करती है दैट मीन्स सब कुछ फेक है। तो जस्ट स्टे ट्यून, वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, सो ये है कि मेरी क्यूसिश लेज़र, मेरी प्यारी सी लेज़र मशीन। ये इतनी बड़ी लेज़र है और इससे हम आज कार्बन पार्टिकल्स को ब्लास्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, इसके रिजुविनेशन है, जो तिल है उनको रिमूव करने के लिए भी, बर्थमार्क रिमूव भी करता है ये, टैटू रिमूव भी करती है, आईब्रो भी। ये एक्टिव क्यूसिश है। सो ये है डॉक्टर आशीष जो है, और ये है दीपक जी जो इस एक्सपेरिमेंट मेरी हेल्प करेंगे। सो दीपक, कैन यू प्लीज़ जस्ट होल्ड दिस। ओके, सो ये है फेस वॉश जो मैं निकालूंगा, उसको मैं अच्छे से शेक कर लूँगा ताकि इसमें जो आप देखोगे चारकोल ये पूरे पार्टिकल्स हैं ये मिक्स हो जाएं। जब भी आप इसको यूज़ करें तो अच्छे से शेक करके मिक्स करिएगा। अब मैंने इसको जस्ट लिया है हाथ में और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको मैंने फैला लिया है। और अभी मैं, बिकॉज इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है तो ये ब्लैक है, और मैं इसको सेटिंग कर रहा हूँ। ओके, मैं दीपक इसको दिखाओ, यहाँ पे मैं 10 mm का स्पॉट साइज ले रहा हूँ ताकि साइज बड़ा रिमूव करें। अब इसको प्लीज़ फोकस करेगा, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। सो गोना स्टार्ट। ओके, तो आप अगर देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा इसको एक्टिवेटेड चारकोल इसके अंदर रियली में है। तो आप अगर देखेंगे तो इसने पूरा सा ये रिमूव कर दिया है जो फेस वॉश था, इसके अंदर चारकोल था। तो ये क्यूसिश लेजर कहते हैं। इसमें मैंने जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की थी वो 1064 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी, 900 मिली जूल पर मैंने वर्क किया और 10 हर्ट्स पे इसको ब्लास्ट किया और इसने पूरा वो एक्टिवेटेड चारकोल को ब्लास्ट कर दिया। दैट मीन्स इस फेस वॉश के अंदर जो है एक्टिवेटेड चारकोल मौजूद है। ओके, सो दिस इज़ द फेस वॉश। इसकी एम आर पी देखें तो 249। ओके, नाइस, ये 249 का है और अराउंड मेरे ख्याल से कितने, ये 60 ml है। इसका pH भी 5.5 है। 5.5 pH हमारी स्किन के pH के बराबर होता है, तो ताकि हमारा जब हम कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो एसिड मेंटल को डिसबैलेंस कर देता है। जब एसिड मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है तो वो और ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कोई भी इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो इसका pH बराबर हमारा बैलेंस कर देगा स्किन के। जस्ट अभी हमने देखा कि किस तरीके से ये मेरी लेज़र मशीन ने इस एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश को ब्लास्ट आउट कर दिया। तो दैट मीन्स मार्केट में जो बहुत सारे फेस वॉश आते हैं जो कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल है, उनमें कई बार नहीं होता है, बट इस फेस वॉश में एटलीस्ट एक्टिवेटेड चारकोल मौजूद है। तो यू कैन ट्रस्ट दिस फेस वॉश एंड यू कैन यूज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन प्रॉब्लम है तो आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। और ये 249 रुपीज़ का है, 60 ml है, दैट मीन्स अगर आप 1 ml भी डेली यूज़ करते हैं तो 60 दिन चलेगा, यानी 2 महीने आपके ये फेस वॉश चलेगा जो 249 का है। नॉट बैड, बिकॉज एक्टिवेटेड चारकोल के साथ फेस वॉश है तो अच्छा है। आपको जस्ट इसको ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हो, और जस्ट याद रखिएगा कोई भी कट एरिया में है तो वहाँ पे फेस वॉश आपको नहीं अप्लाई करना है। कहीं भी आपको ब्रूजिंग है या चोट लगी है तो वहाँ पे अवॉइड करें। आंखों के अंदर जाए तो प्रॉपरली, ये तो छोटी सी बातें हैं, आंखों के अंदर जाए तो अच्छे से धो लो और सब कुछ, ये सारी चीज़ों में आपको फॉलो करना ही पड़ता है हर चीज़ों के साथ। तो ये आपके, अगर आपको एक्ने स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा या ओपन पोर्स है या ऑयली स्किन है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए।
तो ये फेस वॉश आपको मिलेगा www.lescomic.com पे, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे जाके आप ये चीज परचेस कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। तो मुझे आप इसको परचेस करिए, उसको यूज करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फेस वॉश कैसा लगा। और अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड जो बेल बटन बाजू में ना उसको क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो मैं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा वो मैं बनाने वाला हूं डर्मा रोलर के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विद डर्मा रोलर आप घर बैठ के कैसे कर सकते हैं। तो वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको वो वीडियो देखने को मिल जाए, नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मी। बाय।